आपने पिछले कार्यकाल में काफी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही है CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ रहे हैं, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि हम 370 वापिस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियाँ देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है, वाल्मीकि समाज जहाँ रहता है वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ये सब क्या बातें करते हैं जी? और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे? हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में।